नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा एग्जाम 10 सितंबर 2024 को हुआ था। इसकी आंसर की आ चुकी है। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर की, तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, आंसर की आई है केवल 2 से 3 दिन तक ही आपके पास रहेगी आंसर की। उसके बाद में आप जीवन में कभी भी इस क्वेश्चन पेपर की जो आपने आंसर दिए थे वो आप रिस्पॉन्स शीट द्वारा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी आप तुरंत डाउनलोड करना और इसको संभाल के रखना जीवन भर, क्योंकि आपने ये दिया है एग्जाम। और अगर आपका अच्छा रहा है या बुरा रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में अपनी रिस्पॉन्स शीट को संभाल करके रखना है, जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपने क्या क्या गलतियां की और आपको कहां पर सुधार की जरूरत है। ध्यान दीजिए, 2 से 3 दिन है आपके पास, उसके बाद में इस रिस्पॉन्स शीट को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में ये दिया गया, क्लिक हेयर टू आंसर की, तो ऐसी विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप अपने एप्लीकेशन जो नंबर है वो आप पुट करेंगे इसमें, जो भी एप्लीकेशन नंबर रहेगा, और अपना डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो भी आप पुट करेंगे इसमें। सपोज कोई भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उसको फिल करेंगे। और नीचे जो आपको सिक्योरिटी कोड ये जो दिया गया है आपका अलग अलग होगा, ये डाल देंगे इसमें। उसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको आंसर शीट दिखाई देगी। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने चैलेंज व्यू और साथ में व्यू आंसर शीट का ऑप्शन आएगा। व्यू पर क्लिक करेंगे आप, व्यू पर जो आपने क्वेश्चन पेपर आया था उसकी जो क्वेश्चंस के उत्तर आपने क्या दिया है उनको देखने के लिए व्यू आंसर शीट पर आप क्लिक करेंगे। तो यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, नीचे आपको जो क्वेश्चन थे उनको क्वेश्चन आईडी के साथ में आपने क्या आंसर दिया था। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया, चूजन ऑप्शन टू, ऑप्शन दो बच्चे ने राइट उत्तर चूज किया है, बच्चे का उत्तर है ये। हो सकता है आपने गलत उत्तर चूज किया हो या ठीक किया हो, वो अलग बात है, परंतु आपने क्या उत्तर दिया था वो इसका ऑप्शन नंबर टू है, यानी कि क्वेश्चन की आईडी जो है ये वाली 3310, ये आपने राइट की हुई है। अब इसको आप मैच करेंगे ओरिजिनल आंसर शीट के साथ में, ओरिजिनल आंसर की के साथ में। यदि आपको क्लेमेबल लगता है क्वेश्चन, तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये पूरी आंसर शीट है, इसको नीचे तक आप देख लें एक बार पूरा जाकर के, क्योंकि बहुत सी बार बच्चे एकदम से क्लिक करते हैं और आधी आंसर शीट डाउनलोड होती है, रिस्पॉन्स शीट। तो पूरा नीचे तक देखें कि क्या ये पूरी आ गई है। जैसे ये 150 नंबर क्वेश्चन आ गया, पूरा का पूरा देखो आ गया है, सारा का सारा, तो सारा आ चुका है। तो इसको जाकर के आप अपने पास सेव कर लें, या फिर प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, देखो साइड में आपको ग्रीन ऑप्शन दिखेगा, तो प्रिंट कर लें। मोबाइल में सेव करना तो आप पेज को सेव कर लें, या किसी अन्य माध्यम से आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट पर करेंगे तो अपने आप सेव हो जाएगी। तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे यहां पर, तो आपके सामने इस तरीके की विंडो शो होगी। आप जिस फोल्डर में जहां चाहें उस जगह पर इसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये तरीका है सेव करने का, फाइल को अपने पास संभाल के रखना और इसको सेव करके रखें अपने पास में। ध्यान रखें, अपने पास सेव करके रखना जरूरी है, नहीं तो बाद में आप कभी भी इस एग्जाम को देख नहीं पाएंगे। क्यों सेव करना जरूरी है? क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में आपने क्या गलती की है, क्या आपका मानना था, और क्या क्या गड़बड़े हुई हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए गड़बड़, और क्या आपको नहीं आता, कहां पर कमजोर है, कहां पर शक्तिशाली है, आपको पता लगता है। आने वाले एग्जाम में भी आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लगेगी इसके आधार पर। तो यहां पर इसको सेव करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, 2 से 3 दिन का टाइम है, 13 तारीख के बाद में आप इस पीडीएफ को कभी भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्रिंट पर क्लिक करके अपने पास सेव कर लेंगे। और यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि एनटीए ने कौन सा राइट आंसर ठीक माना है किसी क्वेश्चन का, तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ जो चैलेंज ऑप्शन दिया गया है नीचे ग्रीन शब्दों में, इस चैलेंज पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने आंसर की ओपन हो जाएगी। तो एनटीए ने कौन सा आंसर माना, जैसे क्वेश्चन आईडी आपके सामने 533072188717 पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पीडीएफ में हो सकता है ये क्वेश्चन आगे पीछे हो, पहले नंबर पर जरूरी नहीं है मिले। तो आपको ये जो क्वेश्चन आईडी है इसके आंसर जो है इन्होंने 3 माना है, 3, ठीक है। तो ऐसे इसका करेक्ट आंसर एनटीए ने 3 माना है, आपका हो सकता है 4 5 या कोई और, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है या इनमें से चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सही नहीं थे, तो उसमें आप नन ऑफ दीज करके नीचे जाकर के क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम का ऑप्शन आपको नीचे जाकर के मिलेगा, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं नीचे जाकर के, ठीक है। क्लेम करने की वीडियो हम अलग से बना देंगे, अभी के लिए आप अपनी आंसर की यहां से चेक करके मिला सकते हैं खुद से। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट जानकारी, यदि आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है तुरंत ही, 10 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है। तो अभी फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहें तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन पर ऑल कंप्लीट मटेरियल, ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, क्विज है, ऑल पीवाईक्यूज वीडियोस, आपको डेप्थ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सारी चीजें आपको वन टाइम में एक ही बार में मिल जाएगी। तो आप अपनी जर्नी दिसंबर 2024 को लेकर के भी अभी शुरू कर सकते हैं।
सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।